सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामाचौड़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है। वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जाँच खरीदी गई जमीनों की जाँच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह भी आया है कि जिन प्रायोजनों के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगह उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके लिए उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी भूमि जो नियम संगत नहीं है, नियम कानून का उल्लंघन कर रही है, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। इसके अलावा जल्द ही सरकार एक सशक्त भू कानून लेकर आने वाली है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त में, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियाँ अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं। और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा, तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से, सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे और एक सख्त भू कानून लाएंगे। उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून जरूरी होगा उसको हम अमल में लाएंगे।